मैंगो मिल्क शेक पी लो, मैंगो मिल्क शेक। टकला का मैंगो मिल्क शेक पी लो, गर्मी का मौसम में ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक। एक बार मैंगो मिल्क शेक पियोगे तो बार बार आओगे, ताजा ताजा आम का मिल्क शेक। अरे वाह, मैंगो मिल्क शेक का ठेला लगा है। गर्मी का मौसम भी है, हमको पीने का मन भी कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, कैसे पिए। अरे आइडिया, वो जो वीडियो देखे थे ना, वही वाला टेक्निक करना पड़ेगा। इसी से पैसा कमाएंगे और इसी का मैंगो शेक पी भी लेंगे। चलो चलते हैं। हाँ बताइए भैया, बना दे मैंगो शेक। अरे हाँ हाँ चाचा बनाइएगा, पहले ये बताइए कैसे गिलास है मैंगो शेक का। 40 रुपया गिलास है भैया, और आइसक्रीम के साथ लीजिएगा तो 60 रुपया का पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आइसक्रीम वाला मैंगो शेक 60 रुपए का, नॉर्मल 40 का। आइसक्रीम कौन कौन सा डालिएगा उसमें? उसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालेंगे और साथ में चॉकलेट भी। अरे वाह, तब तो सस्ता है भैया, बहुत सस्ता में बेच रहे आप, बढ़िया होगा ना टेस्ट। अरे हाँ हाँ भैया, सस्ता बेच रहे तो इसका क्या मतलब है, बढ़िया नहीं होगा, क्वालिटी एक नंबर मिलेगा आपको। ताजा आम का ही बना रहे ना मैंगो शेक, एसेंस वगैरह तो यूज नहीं कर रहे है, या गलावा घटिया आम का तो यूज नहीं कर रहे है। अरे नहीं नहीं, आपके सामने आम पड़ा हुआ है, आपको गला और घटिया दिखता है, एकदम ताजा आम है। हाँ हाँ, आम देख के तो ताजा ही लग रहा है, मीठा होगा ना? अरे हाँ हाँ मीठा होगा, बढ़िया होगा बोल रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मीठा होगा तभी ना कह रहे बढ़िया होगा। खट्टा आम का थोड़ी ना मैंगो शेक बना के देंगे आपको, कितना गिलास बनाते ही बताइए, तब से क्वेश्चन ही कर रहे। मैंगो शेक पीने आए कि क्वेश्चन करने आए? अरे भैया, 40 रुपए आपको देंगे या 60 रुपए आपको देंगे तो पहले आपका प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना खरीद लेंगे हम भी। अगर आपको 20 रुपए का सामान कोई बेचेंगे तो आप क्या ऐसे ही खरीद लीजिएगा? अरे अगर हमको जरूरत होगा तो हम इतना ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे, खरीद लेंगे। आपको मैंगो शेक पीना तो जल्दी बोलिए, समय नहीं खराब कीजिए हमारा। अरे हाँ हाँ भैया पीना हमको। हाँ तो बना दे, कौन सा बना दे, 40 वाला या 60 वाला? रुकिए ना भैया, थोड़ा देर में बोलते हैं, वही वाला बना दीजिएगा। थोड़ा देर में बोलते हैं मतलब? बता रहे भैया बता रहे, अभी धूप से आए हैं ना, इसीलिए थोड़ा रुक के पियेंगे, नहीं तो गर्म ठंडा हो जाएगा ना, तबीयत खराब हो जाएगा। अरे धूप से आए हो का क्या मतलब होता है, धूप में ही तो खड़े हो, इससे कुछ थोड़ी ना होता है, कौन डॉक्टर बोला ये सब तुमको? अरे भैया डॉक्टर क्या बोलेगा, अपना भी विवेक होना चाहिए ना, हम पढ़ा लिखा है, आप नहीं है तो इसका क्या मतलब है, और ऐसे भी मेरा नाम विवेक है, मेरा नाम विवेक है तो मेरे अंदर भी तो विवेक होगा। अरे तुम नहीं पढ़ा लिखा होगा समझा, ज्यादा बकवास करता है, तुम्हारा नाम विवेक है लेकिन तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, तुमको पीना है कि तुम नाटक करने आया है? अरे भैया कह रहे हमको पीना है, आपको तो बातें करने का तमीज नहीं है, कस्टमर से चिल्ला रहे, तब से हम पोलाइट होके बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन नहीं आपको खाली झगड़ा करना है, धंधा करने के लिए बैठे कि झगड़ा करने के लिए बैठे? अरे झगड़ा करेंगे नहीं, बता नहीं रहे, जब तुमको बाद में पीना मैंगो शेक तो तुम हमारे पास आए क्यों हैं, कहे आए हो अभी? अरे भैया इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा दोस्त आने वाला है, वो आएगा तब हम पियेंगे ना, आप रुकिए ना। अच्छा अच्छा दोस्त आने वाला आपका, तो ऐसे बोलिए ना, हमको लगा आप टाइम पास कर रहे तभी ना हम गुस्सा गए, चलिए आने दीजिए आपका दोस्त को, आप हमारा पहला कस्टमर है, पहला कस्टमर जब उल्टा सीधा बात करता है तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब आपका दोस्त आ रहा है तो कोई बात नहीं, रुकते हैं। ऐसे भी तो आपको रुकना ही पड़ेगा, और कोई कस्टमर है थोड़ी ना, खुद का मैंगो शेक बना के खुद नहीं ना पीजिएगा, थोड़ा शांति रखिए। हाँ हाँ रखिए शांति, ये पागल ज्यादा ही दिमाग खा रहा है, 40 रुपए का मैंगो शेक पीने नहीं आया, नाटक कर रहा है, दोस्त आएगा ये आएगा वो आएगा, जल्दी इसका दोस्त आए पी के जाए मैंगो शेक हमारा, पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल सब आता है हमारा ठेला पे, कब चलेगा हमारा धंधा, हमको समझ में नहीं आता है, जो धंधा खोलते सब में नुकसान हो जाता है, ये धंधा तो चला ही के रहेंगे। अरे क्या हुआ भाई साहब, 20 मिनट से खड़े आपका दोस्त आया नहीं है, कब आएगा? अरे आएगा भैया आएगा, इंतजार कीजिए ना, 10 मिनट में आ जाएगा। और कहाँ से आ रहा है वो, दूसरा शहर से तो नहीं ना आ रहा है जो इतना टाइम लग रहा है? अरे नहीं नहीं भैया इंतजार कीजिए ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे और कितना इंतजार करें आपका? अरे भाई साहब एक बात बताइए, अगर हम आपके यहाँ नहीं आते तो आप यहाँ से चले जाते, नहीं ना जाते, अभी तक आपके पास एक भी कस्टमर आया है? नहीं आया तो काहे चिल्ला रहे हैं, हम खड़े आप भी खड़े है, ऐसे भी आपका जमीन नहीं ना है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो बहुत बोल रहा है, लेकिन इस पागल काम को समझे में नहीं आ रहा है, आखिर ये करने क्या आया हमारा दुकान पे, काहे इतना देर से खड़ा है, एक मैंगो शेक पीने के लिए अपना दोस्त का इंतजार करा आधा घंटा से, हमारा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो हमको मैंगो शेक पिलाने के लिए आधा घंटा धूप में खड़ा रहे, अजीब दोस्ती इस लोग का, कहे छोड़ो हमको क्या, आएगा इसका दोस्त पी के जाएगा। आइए चाचा आइए, यही आपका दोस्त? अरे हाँ हाँ शांति रखिए, मेरा दोस्त के सामने कुछ बोलिएगा नहीं। अरे हम काय बोलेंगे, ये अजीब आदमी है, कह रहा था दोस्त आएगा, ये तो इसका दादाजी लग रहा है, आजकल आदमी सब पता नहीं किससे किससे दोस्ती कर लेता है। हाँ बताइए चाचा, मैंगो शेक पीना है? अरे हाँ हाँ मैंगो शेक पीना है, कैसे गिलास है रे बाबू? 50 रुपया नॉर्मल गिलास है चाचा, और आइसक्रीम के साथ पीजिएगा ना तो 80 रुपया लगेगा। हाँ तो एक काम करो ना, आइसक्रीम वाला एक गिलास पिला दो।
हाँ सुनिए ना, आइसक्रीम वाला एक ग्लास लगाइए मैंगो शेक। अच्छा तो ये चालाक कहीं का हमसे 60 रुपए में मैंगो मिल्क शेक लेके अपना दोस्त को 80 में बेच रहा है, पैसा कमा रहा है। हम सोचे इंतजार कर रहा बढ़िया दोस्ती होगा, ये तो चूना लगा रहा अपना दोस्त को। खैर हमको क्या, हमको तो हमारा 60 रुपया मिल रहा है ना। अरे हम सोचे थे कि ये भी पिएगा मैंगो शेक, ये अपने ने पीने आया था, अपना दोस्त को पिलाने के लिए आया था, एक ग्लास मांग रहा है। ऐसा तो नहीं साथ में पिएगा, आजकल कोई गारंटी नहीं है, लड़का लड़की के साथ, लड़का लड़का के साथ भी पीता है। हाँ ये लीजिए चाचा। हाँ चाचा बताइए मैंगो शेक कैसा था। अरे बहुत बढ़िया था रे बेटा, बहुत बढ़िया था, लो 80 रुपया। अरे ये हमको पैसा नहीं देके इसको दे रहा है, चलो इससे ले लेते हैं। बाबू दो हमको हमारा 80 रुपया। अरे 80 किस बात का, 60 रुपया बनता है ना आपका, अभी तो 60 रुपया बताए थे आइसक्रीम वाले का। अरे तो तुम यहाँ क्या कमाने के लिए बैठा है, ठेला हमारा कमाएगा तुम है? अरे भाई साहब आप हमको कम नहीं समझिए, हम कोई ऐसा आदमी नहीं है, मेरा 200 दोस्त है, 200 दोस्त सबको बता क्या है आपका ठेला के बारे में, कि यहाँ पे मैंगो शेक का ठेला लगा है, सब आएगा धीरे धीरे, सब पी के जाएगा, हम आपसे सस्ता थोड़ी ना करवा रहे हैं, अपना दोस्त लोग से कमीशन कमा रहे उसमें आपको क्या दिक्कत है, आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपका फ्री में प्रचार कर रहे हैं, और खाली प्रचार नहीं सेल भी करवा रहे हैं। और चिंता नहीं कीजिए, थोड़ा देर में हम भी पी के जाएंगे आपके यहाँ से। अच्छा ठीक है बढ़िया है, आप हमारा दुकान में सेल करवा रहे, हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए आप कितना कमा रहे नहीं कमा रहे, हमको तो हमारा पैसा मिल रहा है ना। धन्यवाद हमारा दुकान का प्रचार करने के लिए, आपका 200 दोस्त अगर हमने यहाँ के मैंगो मिल्क शेक पी के गया ना तो 2 गिलास हम आपको फ्री में पिलाएंगे। अरे धन्यवाद भैया धन्यवाद, लेकिन एक बात बता देते भैया, किसी से भी आप बात नहीं कीजिएगा, सब हमारा दोस्त सब आने वाला है ना, उससे हम ही बात करेंगे, उससे आप बात कीजिएगा, उसको पता चल जाएगा सस्ता है, फिर वो लोग समझेगा कि आप हेर फेर करके बेच रहे हैं, इसीलिए शांति रखिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है हम शांति रखेंगे, जब तुम्हारा दोस्त आएगा तो तुम बात कर लेना, मेरा कस्टमर आएगा तो हम अपने बात करेंगे। हाँ ठीक है भैया। और भाई क्या पिएगा, नॉर्मल मैंगो शेक पिएगा या फिर आइसक्रीम मैंगो शेक पिएगा 80 वाला? नॉर्मल मैंगो शेक कितने का है? नॉर्मल तो 60 रुपए का है। ठीक है तो नॉर्मल वाला ही पी लेंगे। अरे ये तो बहुत चालाक है, एक को नॉर्मल वाला 50 बोलता है, एक को 60 बोलता है। हाँ चाचा, हाँ एक नॉर्मल वाला मैंगो शेक लगा दीजिए जल्दी से। हाँ चाचा अब एक काम कीजिए, एक नॉर्मल मैंगो शेक मेरा भी लगा दीजिए। अच्छा बाबू अपना दोस्त लोग से कमा के मैंगो शेक पी रहे हो, बहुत चालाक हो तुम तो। अरे चाचा अभी आप मेरा चालाकी देखे कहाँ है, हम कब किसको खड़े खड़े बेच देते हैं ना, उसको पता भी नहीं चलता है। वो तो दिख रहा है हमको कितना चालाक हो तुम, दोस्त लोग तुम पे भरोसा करता है, तुम धोखा देते हो उस लोग को। अरे फायदा किसका हो रहा है चाचा, आपका हो रहा है ना, शांति रखिए। अरे वाह चाचा वाह, क्या मैंगो शेक था, मैंगो शेक तो बहुत बढ़िया बना रहे आप, सही बोले ताजा हम यूज कर रहे हैं आप मीठा वाला। हाँ तो हम तुमने तो डुप्लीकेट काम करते भी नहीं है, और धोखा देने वाला जो बोलते हैं वही देते हैं। ईमानदार है ना, ईमानदार लोग ऐसे ठगाता है। ठगाता है मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे चाचा फिर से आ गए, फिर से आइसक्रीम मैंगो शेक पीना है? अरे हाँ हाँ फिर से पीना है, बहुत बढ़िया था, दरअसल हम घर पैसा लेने के लिए गए थे, हमारे पास खत्म हो गया था, एक और गिलास लगवा दो। हाँ चाचा अभी लगाते हैं। और एक बात बताओ तो रे टकला। हाँ पूछिए चाचा। मार्केट में तो 70 रुपए का मैंगो मिल्क शेक दे रहा है आइसक्रीम वाला, तुम 80 में काहे दे रहा है? हमको मार्केट में मिल रहा था, हम उससे लिए नहीं, हम सोचे तुमसे ही कम करवाएंगे, काहे कि हमको तुम्हारा टेस्ट अच्छा लगा था। अरे चाचा क्वालिटी भी तो मैटर करता है, टेस्ट कितना बढ़िया है इसमें, जो अच्छा है उसका रेट भी तो अच्छा लगेगा। हाँ वो तो बात सही है, चलो बना दो, हम सोचे 70 में पिला दोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि गरीब आदमी है ना हम, गरीब आदमी बार बार नहीं पी पाएगा ना 10 रुपया एक्स्ट्रा देके, फिर तो हमको उसी ठेला में जाके पीना होगा, अगर उसका टेस्ट बढ़िया लग गया तो फिर वहीं पे पियेंगे 70 रुपया में। अरे टकला चाचा पिला दीजिए, 70 रुपया में पिला दीजिए, गरीब आदमी है आप तो रोज पीजिएगा ना। अरे हाँ रोज पियेंगे 70 रुपया में रहेगा तो। हाँ तो सुन लिए ना, 70 में इनको रोज पिलाइएगा, रेगुलर कस्टमर है। अरे ये तो बहुत होशियार है, तुरंत ही अपना रेट गिरा दिया कस्टमर बनाने के लिए। खैर छोड़ो हमारे लिए बढ़िया है, 70 रुपया में रोज आके पिएगा, और इसको भी फायदा होगा तो और कस्टमर लेके आएगा। अरे वाह रे टकला, क्या मस्त मैंगो शेक बनाता है तुम, फैन हो गए हम तुम्हारे मैंगो शेक के। अरे धन्यवाद चाचा। अच्छा एक बात बताओ, तुम ठेला लगाए हो, ठेला में इतना बिक्री हो जाता है, जो एक सेल्समैन भी रखे हो जो कस्टमर से बात करता है, काहे कि ये नौकर तो लग नहीं रहा है, सारा काम तो तुम ही कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो खाली कस्टमर से ऑर्डर ले रहा है, तुम्हारा इतना कमाई हो जाता है जो इसको भी सैलरी दे देते हो। अरे ये बुढ़ा तो हमको फंसा रहा है। अरे नहीं ना चाचा, ये हमारा नौकर थोड़ी ना है, ये तो आपका दोस्त है ना। हमारा दोस्त कौन बोला रे, हमारा दोस्त है ये, हमारा उम्र और इसका उम्र में तुमको अंतर नहीं नजर आता है, ये हमसे दोस्ती करेगा, ये तो हमारा बेटा से भी छोटा है। अरे यही हमको तब से बोल रहा है,
कि हमारा दोस्त सवाल आपके यहाँ मैंगो शेक पीने के लिए, हम तो 60 रुपए में बेच रहे हैं, 80 और 70 में ही तो बढ़ा के बेच रहा है, ये कमीशन खा रहा है। कह रहा मेरा दोस्त सवाल है, आप कुछ नहीं बोलिएगा, हमको बोला आप भी इसका दोस्त है। अरे क्या रे साले, तुम हमसे 30 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, दे रहे टकला, हमको 30 रुपए एक्स्ट्रा दे, हमारा 60 का मैंगो शेक तुम 80 में बेचा और 70 में बेचता रे, 30 रुपए दो हमको, हमारा ये कोई दोस्त नहीं है, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा और इसका, तुम लोग बिजनेस कर रहा कि लूट रहा रे, तुम लोग दोनों मिला हुआ। अरे बुढ़ा, हम टकला नेता है समझा, ठेला लगा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे ऐसे बात करेगा, और तुम रे कौन है, क्या बकवास कर रहा था, मेरा दोस्त है, हमारा दुकान पे आने वाला कस्टमर को अपना दोस्त बताता है और उसको महंगा में बेचता है, साला ठेला हम लगाए, पूंजी हम लगाए, कमाने तुम बैठा है, मजाक चल रहा है क्या है? हम सोचे तुम्हारा दोस्त सवाल है साला हमारे यहाँ पीने के लिए, और तुम साला बुद्धि लगा रहा था, तब ये कह रहा था हम किसी को बेच सकते है, हमारा ही दुकान पे हमारा ही कस्टमर से तुम कमा रहा है, वो भी बिना पूंजी के, साला कौन सा पढ़ाई करके आ रहे तुम जो इतना दिमाग लगाता। अरे चाचा माफ कर दीजिए, हम एक कोर्स किए थे, ड्रॉप शिपिंग नाम था उसका, वहीं से हमको ये आइडिया मिला, हम कस्टमर को दुकानदार से मिलाते हैं और बीच का कमीशन खा जाते हैं। अरे तो तुम्हारा यहाँ पे योगदान कहाँ है, हाँ कहाँ है योगदान, कस्टमर अपने आप चल के हमारे यहाँ आ रहा, तुम बीच में जबरदस्ती घुस के पैसा ले रहे हो, मार के दे तोड़ देंगे समझा, तुमको तो साले छोड़ेंगे नहीं आज। अरे चुप साला, बकवास करता है, देखा हमारा बुद्धि, तुम्हारा कस्टमर से पैसा कमा के मैंगो शेक पी लिए, अब बुढ़ा को 30 रुपया दो, हम तो फ्री में पी लिए, भाग साले। अरे बेटा रुक, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं, कहाँ भागता रे साला, दे तोड़ देंगे तुम्हारा, साला भाग गया। हम नहीं भागे, हम खड़े है, तुमको अपना देह तोड़वाना है क्या, हमारा 30 रुपया दे दो फिर छोड़ देंगे तुमको। अरे हम कैसे दे तुमको 30 रुपया, हाँ हम बेचे तुमको, हाँ तुमने उससे खरीदा सी में, वो उस पैसा का मैंगो शेक पी लिया, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको, वो हमको तुम्हारे आँख के सामने ठग के गया ना। अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम अपने आँख के सामने अपने आप को भी ठगा हुआ महसूस करे, हम नहीं करेंगे वैसा, हमको हमारा पैसा दे दो चुपचाप से। अरे जब वो तुमको ठगा तभी तुमको नहीं ठगवाना चाहिए था, जैसे वो हमको ठगा वैसे तुमको भी ठगा समझा, तुम्हारा पैसा से मैंगो शेक पी के गया, तुम दौड़ो उसके पीछे। अच्छा हमको कैसे पता चलेगा रे तुम्हारा ठेला पे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, बुद्धि लगाता है, हम तो तुम्हारा आदमी समझ के 80 रुपए दिए, तुम्हारा दुकान था तो तुम काई नहीं रेट बताया रे हमको, अब होशियारी करता है, छोड़ेंगे नहीं साले तुमको, आज हम टकला तुम्हारा टकला फोड़ देंगे। अरे छोड़ हमको, छोड़ छोड़ ताकि नहीं बुढ़ा, छोड़ छोड़ जिसको देखो पागले से बताया हमारा दुकान पे, हट हट। अरे रे तुम ले आया बड़ा, आइंदा से हमको नहीं ठगेगा समझा, नहीं तो कपड़ा खोल के मारेंगे तुमको। अरे चाचा, अरे देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है हमारे साथ, कोई भी धंधा खोलते हमको नुकसान हो जाता है, इतना बढ़िया धंधा खोले थे, वो कौन सा पागल आ गया हमारा दुकान पे, पता नहीं कौन सा बुद्धि लगा हमको, समझ में नहीं आया, ठग के चला गया हमको। आप ही बताइए, ऐसा आप लोग के साथ होगा तो आप लोग नहीं ठगा जाइएगा, क्या करना चाहिए उसके साथ, मिले तो साले साले का देह तोड़ देंगे, हमको मार भी खिलवा दिया फिर मैं मैंगो शेक भी पी लिया। चलिए तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी ना इलाज कराएंगे डॉक्टर से, और टकला नेता कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कहाँ गया वो, और क्या मेरा ये मैंगो शेक का दुकान चलेगा।